और पहला सवाल देखते हैं। गोपाल सिंह जाट किस देशी रियासत में धार नेता थे? तो आपने मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस करना है और उनके आंसर्स करने की कोशिश करनी है। चार ऑप्शन है और इसका जवाब क्या होगा? वल्लभगढ़ में थे, अम्बाला रियासत में थे, शाहबाद में थे या लाडवा रियासत में थे? तो बहुत सोच के जवाब देना। तो गोपाल सिंह जाट जो है आपके, ये वल्लभगढ़ देशी रियासत में थे। और धार का मतलब होता है, ये एक तरीके सुरक्षा दल होता है लोकल लेवल पर, उसके हेड थे आपके। और कुछ हरियाणा हिस्ट्री के मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे आपसे बात कर रहा हूँ जिनको आपको आना चाहिए। और इस बार SCS का जो एग्जाम है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है, तो इस बार लगता है कि कुछ अच्छा, बहुत अच्छा पेपर आपके सामने SCS का आने वाला है। तो 1700 ईस्वी में फरीदाबाद परगना किस शाही वजीर की जागीर था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन है, कमरुद्दीन, राहिल खान, जावेद खान और सफदरजंग। अगर आप इनको नहीं कर पा रहे हो तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा, जो हमारे टेस्ट हैं, जो अब नए क्वेश्चंस अपडेटेड हमारे टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं, तो ये उस वहीं से लिया गया है। तो इसका जवाब है आपका कमरुद्दीन। और अगला क्वेश्चन है आपका, फरीदाबाद के फौजदार मुर्तीज खां का वध किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुर्तीज खां जो कि फरीदाबाद का फौजदार था, उसका वध किसने किया? चार ऑप्शन है, गोपाल दास, चरण दास, बलराम और कमरुद्दीन। तो इसका नाम है आपका बलराम, ठीक है, बलराम जवाब था। और वल्लभगढ़ रियासत की नींव किसने रखी? ठीक है, वल्लभगढ़ रियासत की नींव किसने रखी? हरियाणा के हिस्ट्री के क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो चार ऑप्शन है, बलराम बल्लू, चरण दास, गोपाल दास, ठीक है, और इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है इसके अंदर, कमरुद्दीन। तो इसका जवाब होगा आपका बलराम बल्लू। मैं यहाँ आपको जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग जनरली, मैं देखता हूँ, कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश नहीं करते हो, तो कोई बात नहीं है, आप इनको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जवाब देना चाहते हो तो कोशिश कीजिए। आपने हरियाणा की हिस्ट्री तो बहुत बार पढ़ी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बलराम को शाही वजीर कमरुद्दीन से कानूनी स्वीकृति दिलवाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये कमरुद्दीन जो कि शाही वजीर होते थे आपके, और उन्होंने बलराम को जो है कानूनी स्वीकृति दिलवाई, वैधानिक जो है सरदार मान लिया गया, ठीक है। तो सवाई जयसिंह, सूरजमल, सफदरजंग और नाना साहेब। बहुत सोच के इसका जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है। और इस बार जो SCS का पेपर आने वाला है, ठीक है, तो आप उम्मीद करिए बहुत अच्छा पेपर जो है, और जो है सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो और ज्यादा जो है आपने, हम कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखा आपने, तो इसका जवाब है सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह थे जिन्होंने शाही वजीर कमरुद्दीन को कानूनी स्वीकृति, कमरुद्दीन से कानूनी स्वीकृति ली बलराम को। देखो, जो उस वक्त जो आपका शाही वजीर होता था वो फरीदाबाद परगने को देखता था, और उस फरीदाबाद परगने में ही जो है आपका वल्लभगढ़ होता था। और अगला है आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम आपने सुना था, तो मोहम्मद शाह ये वही हैं जिनका नाम आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, जिनके टाइम पर बैटल ऑफ करनाल हुई थी। तो मोहम्मद शाह के शाही वजीर का नाम बताओ, ठीक है ना। बैटल ऑफ करनाल तो 1739 की है, लेकिन वो सवाल आ चुका है। अब ये सवाल आप देखो कि उनका वजीर कौन था, क्योंकि जो वल्लभगढ़ रियासत है आपका, फरीदाबाद परगना है, उस वक्त वो शाही वजीर के अंडर होती थी। तो चार ऑप्शन है आपके, कमरुद्दीन, सवाई जयसिंह, सूरजमल और सफदरजंग। इसका जवाब है आपका एक, कमरुद्दीन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1748 में शाही वजीर कौन बना? यानी कि कमरुद्दीन के बाद कौन था जिसको जो है शाही वजीर बनाया गया था? तो ये आपका जवाब है इसका ए, सफदरजंग। सफदरजंग को जो है वल्लभगढ़ रियासत इसके अंडर में आ गई थी आपकी, फरीदाबाद परगना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डेली लगातार डिस्कस करने वाला हूँ जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, और शुरुआत हमने की हुई है। तो सफदरजंग किसने बलराम को किसने बलराम को हाथ बंधवाकर गुनाहगार की तरह सब दरबार सफदरजंग के सामने, ठीक है, पेश किया था? ये सफदरजंग हमारा यहाँ पर आना चाहिए, जहाँ पर सफदरजंग लिख दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये याद जरूर हो जाएगा। तो ये सफदरजंग है, ना कि सफदरजंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि किसने बलराम को हाथों को बंधवाकर गुनाहगार की तरह सफदरजंग के सामने पेश किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नहीं,
मेरे ख्याल से मैंने बोल दिया है, आपको समझ आ गया होगा। राजा सूरजमल हैं, सवाई जयसिंह हैं, सफदरजंग हैं, नाना साहेब हैं। तो इसका जवाब है आपका सूरजमल। ठीक है, तो कुछ डिस्प्यूट चल रहा था बलराम और सफदरजंग के बीच में। सफदरजंग उस वक्त वजीर होते थे, तो सूरजमल के कहने पर जो है बलराम को वहां लाया गया, और उसके बाद फिर इनकी रजामंदी हो गई, समझौता हो गया। ठीक है ना, तो इनका आपस में मेल मिलाप करवाया था इन्होंने, क्योंकि सूरजमल जो है ना बलराम के रिश्ते में भी आते थे। सूरजमल ये भरतपुर के राजा माने थे आपके। ठीक है, तो उसके बाद अगला, मुगल शाही मीर बख्शी जावेद खान का कत्ल किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वक्त ये मुगल शाही मीर बख्शी होते थे। तो मीर बख्शी जो है ना, ये फौज सेनापति का पद होता था। तो जावेद खान का कत्ल बलराम ने किया था। चार ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और बलराम बल्लू जाट बहुत फेमस रहे हैं आपके ये वल्लभगढ़ में। ठीक है, चलिए, इसके बाद है आपका फौजदार मूर्तिज खान। ठीक है, यहाँ पर मैं जय लिख देता हूँ। ये मूर्तिज खान जो फौजदार थे, उनका वध किसने किया था? तो बलराम, गोपाल दास, चरण दास, चार ऑप्शन है। इनका भी वध जो है बलराम ने किया है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक आपको याद आ गया होगा कि वल्लभगढ़ का नाम बलराम गढ़ कर दिया गया है। ठीक है, अभी पीछे करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, तो ये वही बलराम है, उन्हीं की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। किसने अकीबत को बलराम के कत्ल करने की सलाह दी? और इसका भी जवाब देख लेते हैं। तो असल में था क्या कि जो अकीबत है, इनके फादर थे मुर्तीज खान, जिसको बलराम ने मार दिया था। अब अकीबत जो है, ये बलराम से बदला लेना चाहते थे। ठीक है, और तो इनको सलाह दी थी कि भैया बलराम को मार गिराओ। तो संतोष राय, राम राय, घनश्याम राय और घनश्याम दास, चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जवाब है आपका संतोष राय। संतोष राय पलवल से थे, और इन्होंने सलाह दी थी कि भाई बलराम को आप मार दो। ठीक है, उसके बाद है आपका, किसने पेश कब नामक हथियार से बलराम की हत्या कर दी? ठीक है, तो ये कहा जाता है, इस हथियार से जब हमला किया गया बलराम के ऊपर, तो उनका सिर अलग होकर गिर गया था। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके, ख्वाजा आफताब खान, ख्वाजा रिजवान खान, ख्वाजा इमरान खान, ख्वाजा कामिल खान। तो ये जवाब है इसका ए, ख्वाजा आफताब खान। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके हरियाणा के हैं, तो हरियाणा की हिस्ट्री के ऊपर है, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लो। बल्कि एक हरियाणा SCS के अलावा आपने जो और दूसरे हरियाणा के एग्जाम्स भी फिल कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ भी काफी मदद करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ तो 25 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूँ, अहमद शाह अब्दाली ने वल्लभगढ़ पर कब्जा किया, कब किया? डेट पूछी जा सकती है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली को आप अच्छे से जानते हो, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, तो 3 मार्च 1757, और 3 अप्रैल 1757, 3 जनवरी 1757 और 3 फरवरी 1757। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका जवाब इनका, अहमद शाह अब्दाली, ये 3 मार्च 1757 पक्का आप याद कर लो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1803 में जब अंग्रेजों ने वल्लभगढ़ पर कब्जा किया, तो उन्होंने वल्लभगढ़ का शासक किसको बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता है कि अंग्रेजों का कब्जा 1803 में जो है पूरी तरीके से आ गया था, तो अब अंग्रेज जो है वल्लभगढ़ पर कब्जा उन्होंने कर लिया था। तो वल्लभगढ़ का शासक इन चारों में से किसको बनाया? बहादुर सिंह, शेर सिंह, किशन सिंह और रावत सिंह। तो इतने दिन से आप हरियाणा को की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये जवाब जरूर आने चाहिए। आप कोशिश करो, और ये जो क्वेश्चंस हैं सब हमारे अपने जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट्स हैं, उनमें ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो इसका जवाब है आपका बहादुर सिंह, क्योंकि जैसे कि अब नोटिफिकेशन आज आ चुका है, और जो है हम और ज्यादा चीजों को जो है आपके लिए अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई सवाल बच ना जाए, कोई ऐसा सवाल ना आ जाए जो आपको ना आता हो। ठीक है, तो बाकी पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कामयाब होने के लिए प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए, ये हमारी टैगलाइन भी है, और इसका आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो और एक्सपर्ट सपोर्ट की हमें जरूरत होती है, हमेशा हमेशा हमें जरूरत होती है। और मेहनत तो आप मेहनत ही तो कर सकते हो, लेकिन अगर किसी का तजुर्बा भी जुड़ जाए आपकी मेहनत के साथ, तो रिजल्ट आ जाता है। चलिए, तो नाहर सिंह को किस वर्ष राम सिंह का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? ठीक है, देखो बता देता हूँ, राम सिंह इनके पापा का नाम है, और नाहर सिंह जो है 8 साल के थे जब उन्हें जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। तो 1829, 30, 31, 32। नाहर सिंह का नाम बड़े मान सम्मान से लिया जाता है,
और बहुत बहादुर उनका नाम है। और आपको याद आ रहा होगा 1857 की जो लड़ाई है उनमें उनको फांसी दी गई थी, और बहुत ही ज्यादा जो है सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो 1829 इसका जवाब है, ए ऑप्शन है। 8 वर्षीय नाहर सिंह के वल्लभगढ़ की जिम्मेदारी किस रानी ने संभाली? जब वो 8 साल के थे उनके फादर गुजर गए थे, तो वल्लभगढ़ की जिम्मेदारी उत्तराधिकारी तो नाहर सिंह ही थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जो है एक रानी थी वो संभालती थी। तो 4 ऑप्शन है आपके, रानी देव कुंवर, रानी कमला कुंवर, रानी दुर्गावती कुंवर, और डी है आप उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है आपका रानी देव कुंवर, पक्का है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, वल्लभगढ़ के किले में संगमरमर की मस्जिद और ईदगाह का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो वल्लभगढ़ के जो का जो आपका किला है, तो मस्जिद और ईदगाह का निर्माण जो है ये नाहर सिंह ने करवाया, क्योंकि ये सेकुलर माइंड सेट से थे, यानी कि धर्म निरपेक्षता में इन्हें यकीन था। ठीक है, तो इसमें जो जवाब है, जैसे 4 ऑप्शन है, नाहर, चरण, गणेश और राम, तो इसमें नाहर सिंह ही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस तारीख को नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 जनवरी 1858, 18 जनवरी 1858, और डेट पूछ रखी है। देखो हमारे एग्जाम्स में डेट आती है, जो हरियाणा का एग्जाम्स है आपके, SCS की मैं बात कर रहा हूँ। तो 8 जनवरी 1858, 18 जनवरी, 28 जनवरी और 20 जनवरी, तो 1858 की बात तो है, तो ये जवाब उसका क्या होना चाहिए? तो इसको आप याद कर लीजिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। तो इसका जवाब है आपका ए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, नाहर सिंह को जब फांसी दी गई तो उनकी आयु कितनी थी? तो 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत कम एज में ये चले गए थे, और बल्कि अंग्रेजों ने इनको कहा था कि भाई आप हमारी शर्तें मान लो तो हम आपकी फांसी को टाल देंगे। ये सवाल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अंग्रेज अफसर था जिसने नाहर सिंह के सामने जीवन दान देने की पेशकश कुछ शर्तों पर रखी थी, जिसको नाहर सिंह ने मना कर दिया? तो मेजर हडसन, रॉबर्टसन, मेजर रामसन और मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो 4 आपके सामने इनके नाम हैं, और इसमें कौन से अंग्रेज अफसर हैं जिन्होंने ये पेशकश की थी? तो मेजर हडसन थे। मेजर हडसन वही हैं जिन्होंने उस वक्त जो बहादुर शाह जफर होते थे उनके बेटों को मार दिया था। बहादुर शाह जफर 1857 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वहां पर जो आपके बहादुर शाह जफर थे उनके बेटों को मार दिया था हडसन ने, उन्हीं का ऑफर था। अब आपको याद आ गया होगा। अब अगला सवाल है, हरियाणा प्रदेश की केंद्रीय उपभाषा बांगरू पर ए डेस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ बांगरू नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हरियाणा की जो आपकी उपभाषाएं हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, और हरियाणा GK का पार्ट है, और काफी दिन से सवाल नहीं देखा गया है, तो इस बार उम्मीद मुझे लगती है कि सवाल वहां से आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो जवाब है, 4 ऑप्शन है, डॉक्टर जगदेव सिंह, डॉक्टर निहाल सिंह, डॉक्टर रामचरण सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है आपका ए, डॉक्टर जगदेव सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, हरियाणा प्रदेश की केंद्रीय उपभाषा बांगरू में तिल का क्या अर्थ होता है? तिल। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन है, स्त्रियों के पहनने वाले वस्त्र, पुरुषों के पहनने वाले वस्त्र, स्त्री और पुरुष दोनों के पहनने वाले वस्त्र, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है आपका, स्त्रियों के पहनने वाले वस्त्र को तिल बोला जाता है बांगरू भाषा में। तो अगला देखते हैं, हरियाणा प्रदेश की केंद्रीय उपभाषा बांगरू में बखोरा का क्या अर्थ होता है? गिलास, कृषि संयंत्र, फल या उपलो का ढेर? ठीक है, इसको यहाँ पर मैं ढेर कर देता हूँ, उपले जो होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जवाब है आपका ए, ए है आपका गिलास। और अगला सवाल देखते हैं, हरियाणा प्रदेश की केंद्रीय उपभाषा बांगरू में लीला का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो लीला है, नीला है, पीला है, हरा है या काला है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, और इसका जवाब जो लोग गांव से हैं उनको तो मेरे ख्याल से ये सारा बड़ा आसान सवाल लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग शहर में हैं और हरियाणा की भाषा को कम समझते हैं, लेकिन आपके सवाल ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब है आपका ए, नीला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो लीला का मतलब नीला होता है, ना कि पीला। अगला है आपका, हरियाणा प्रदेश की उपभाषा कोरबी में टिंडी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, बात फिर वही है, जो लोग हरियाणा की भाषाओं की जानकारी रखते हैं तो उनको तो लगेगा अरे सर ये क्या आसान सवाल पूछा, लेकिन
लेकिन जो लोग नहीं शहर में रहते हैं और वो इतना जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे सवाल के लिए, हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो ये कोर भी एक उपभाषा। देखो अब दो दो चीजें आपको यहाँ और पता चल गई कि बांगरू हरियाणा की प्रदेश की उपभाषा है और कोरवी भी आपकी उपभाषा है, जिसमें टिंडी का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन है कि मक्खन होता है, भिंडी होता है, आम होता है, इमली होता है। तो इसका जवाब है आपका मक्खन। ठीक है, तो ए जवाब है। और चलिए तो मैं अभी यहीं रुक रहा हूँ और इसके बाद भी हमारा सिलसिला चलता रहेगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो इस बार के जो आपके एग्जाम्स हैं, तो जो आप SCS का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी SDM की पोस्टें हैं, उसके अलावा करीब 2400 के आसपास और दूसरे एग्जाम की भी हरियाणा के वैकेंसी आई हुई है। सारे फॉर्म आप भर दो, हरियाणा वहाँ भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, वहाँ भी 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा से आते हैं। तो एक मौका है कि 2021 में आप एक नौकरी, अच्छी सी नौकरी आप ले लो। तो और बाकी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है, नोट्स वगैरह चाहिए, टेस्ट सीरीज की जरूरत है, ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है, ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप, ये हमारी साइट पर है, हमारा ऐप है कुष्मांडा IAS SCS अकेडमी के नाम पर, वहाँ भी आपको डिटेल मिल जाएगी, नहीं तो आप कॉल कर दीजिए, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। और अपना 100% दो, सिर्फ ये नहीं कि फॉर्म भर दिया है आपने और चलो जी देख लेते हैं, नहीं, जब आप करना चाह रहे हो तो पूरा 100% दो। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे किसी भी काम में तो रिजल्ट नहीं आते। चलिए तो मैं ये रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच।